नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कुशाग्र भारत। आज बहुत दुख की बात है। वैसे तो रोज़ लगभग 2,500 3,000 3,500 लोग आज का ये डाटा है मरे हैं, इतने लोगों की जाने गई हैं। 3,86,000 के आसपास के केसेज आए हैं कोरोना के एक दिन के, 24 घंटे के। टोटल केस 30 लाख के ऊपर पहुँच चुका है, लोगों की जाने जा रही हैं। मरने के कई कारण हैं। कुछ कारण ये है कि किसी को बेड नहीं मिल रहा, कुछ कारण ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अभी सब चीज़ें अरेंजमेंट हो भी रही हैं तो दवाइयों के ओवरडोज की वजह से ऑर्गन फेलियर हो रहा है। किसी किसी को पहले से कुछ बीमारी रह रही है तो उस बीमारी की वजह से और ज़्यादा बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही, इम्यून नहीं हो पा रही है। ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, हॉस्पिटल मिल जा रहा, बेड मिल जा रहा, दवाइयों की वजह से कहते हैं या किन कारणों से उनको एन मौके पर हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसे मैंने कई केसेस सुने हैं। अभी आज का ये है कि आप सबको पता होगा कि रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी हार्ट अटैक आ गया। वो नेगेटिव हो चुके थे ऐसा मैंने सुना, आज तक पे नेगेटिव हो चुके थे, ठीक होने वाले थे। अचानक से 4 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, क्रिटिकल हो गए और फिर बाद में हार्ट अटैक आ गया। अब पत्रकारिता जगत में एकदम खलबली मच गई है। सारे नेता मंत्री अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, सारे जितने जर्नलिस्ट हैं चाहे जिस लेफ्ट राइट जहाँ के भी हों अपना एकदम कंडोलेंस दे रहे हैं, सिंपति दे रहे हैं। लेकिन उसी बीच आपको कुछ ऐसे लोगों का भी चेहरा देखना बहुत ज़रूरी है जिससे ये साबित होता है कि हमने किसको खोया है, ये व्यक्ति किसकी किसकी आंखों में खटकता था। हर पत्रकार का अपना स्टैंड होता है, अपना एक आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से वो जाना जाता है और इनको एक नेशनलिस्ट पत्रकार की तरह जाना। आपको और मुझे हमेशा ये टर्म ध्यान रखना पड़ेगा कि रोहित सरदाना जी के लिए हमेशा ये टर्म यूज़ करेंगे कि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे, हैं और रहेंगे। पहली चीज, जिन लोगों के लिए वो खतरा थे, जिन लोगों की नज़रों के लिए, जिन लोगों की नज़रों में वो खटकते थे, मैं दिखाना चाहूँगा कुछ गिने चुने ट्वीट्स, पोस्ट, रिएक्शंस। चाहता हूँ आप रुकिए, देखिए, इन लोगों को जान लीजिए, ये लोग कौन हैं, कैसे लोग हैं, और जो लोग इनसे भी एग्री करते हैं जिनका मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो फिर आप भी समझ जाइए कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ज़ैनब सिकंदर सिद्दीकी, लैप डॉग इंडियन मीडिया को लानत है, लानत, यू विल पे फॉर योर कर्मा। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अब ज़ैनब सिकंदर मैडम लगता है अभी अभी मुनाफिकीन हो चुकी हैं, इन्होंने टर्म भगवान यूज़ किया, इनको ध्यान देना चाहिए, उनको अल्लाह टर्म यूज़ करना चाहिए। अब जितने भी इनके सुपीरियर्स हैं मौलाना मुफ्ती, तुरंत फतवा जारी करें और सरतंज जुदा वाली बात शुरू कर दें, क्योंकि और कुछ तो आता नहीं है इन लोगों को। क्योंकि कुछ समय पहले अभी अयूब मैडम ने, राना अयूब शायद, हाँ, उन्होंने कुछ मजाक किया था अर्नब को लेके, कोविड को लेके, तो उनके खुद के परिवार में इतनी आपदा आ चुकी है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सरजील उस्मानी, सोशियोपैथ, पैथोलॉजिकल लायर एंड जेनोसाइड इनेबलर दैट ही वॉज, शैल नॉट बी रिमेम्बर्ड एज जर्नलिस्ट। इन्होंने राजीव सरदेसाई के ट्वीट के ऊपर ट्वीट करके ये लिखा है। अब राजीव सरदेसाई एक पत्रकार हैं, कलीग रहे होंगे, साथ में काम किया होगा, अच्छी मित्रता होगी, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, स्टैंड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो उस्मानी ने जो कमेंट किया है कि पत्रकार की तरह याद नहीं करना चाहिए उनको, तो अब ये दो कौड़ी के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ऑफिशियल टिक लेके, वेरीफाइड टिक लेके, एक फर्जी की सोशल मीडिया प्रेजेंस लेके अब ये बताएंगे कि कौन कैसे याद रखा जाना चाहिए। और कुछ तुच्छे कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी में, उन्हें पढ़ना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। हल्का सा पॉज करके आप समझ सकते हैं, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए इमेजेस आती जाएंगी, पास होती जाएंगी, तो आप ये सब देख लीजिए कैसे कैसे रिएक्शंस हैं। इम्तियाज़ हसन का कहना है कि देर है अंधेर नहीं, रेस्ट इन पीस सरदाना, देर है अंधेर नहीं। अच्छा, सबका वक्त आता है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसी आपदा का, अब उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स सरदाना जी के, वो समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा अंधेरा आ गया उनके घर में और ये लोगों को, इनको मजाक सूझ रहा है। खैर, मैं चाहता हूँ कि वो लोग अभी जो उनकी फैमिली है उनके साथ लोग खड़े रहें, हौसला बनाएं। छोटे छोटे बच्चों ने, उनकी बेटियों ने अभी इसी उम्र में अपने फादर को खोया है, तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है उनके लिए। तो जितने लोग उनके करीबी होंगे उनका ध्यान रखें। अगर वो लोग मेरी वीडियो, कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि हमने एक भारत के देश विरोधी गतिविधियों से लड़ने वाला एक योद्धा खोया है, जो किसी की भी देश विरोधी बात पे या हिंदू विरोधी बात को एकदम ज़मीन पर टच नहीं होने देता था, पहले ही पकड़ लेता था कि क्यों बोला, इसकी सफाई दो, माफ़ी मांगो। हमने ऐसा व्यक्ति खोया है हिंदी पत्रकारिता जगत का, बहुत कोई लफ्ज़ नहीं है हमारे पास, कोई मतलब, हम लोग टर्म एक एक शब्द में, दो दो शब्द में इसी को कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमने किसको खोया है। अब देखना यह है कि
देश के लिए कौन आगे आएगा, कौन उनकी जगह लेगा, कौन उनकी जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। लेकिन इससे पता चलता है कि कोरोना कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, इससे पता चलता है कि आपको कितनी सतर्कता बरतनी है, इससे पता चलता है कि आपको कितनी सुविधा, कितनी पावर, कितनी कुछ भी हो जाए, आपको अगर एक बार गलत कर दिया आपने, कोई गलत एक्शन ले लिया, प्रिकॉशंस नहीं लिया, तो आपको कुछ भी हो सकता है। और ऐसे संकट में देश भी संकट में है, लोग मर रहे हैं, लाखों लोग रोज़ इन्फेक्ट हो रहे हैं, और आपको अभी भी सिर्फ इतना ही समझना है कि घर पे रहना है, एसेंशियल चीज़ों के लिए एक आदमी बाहर जाएगा वो क्वारंटाइन रहेगा, जितना हो सके प्रिकॉशंस लीजिए, किसी रैली में मत जाइए, नहीं वोट डालने में मत जाइए, नहीं माने मतलब अगर कोरोना के नंबर्स घटेंगे, लोगों को वैक्सीन लगेगी, जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था, तो इससे हम पूरा भारत जल्दी रिकवरी मोड में आएगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। वरना हम ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को खोते जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने ऐसे ही खो दिया। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, अपने आप को बचा के रखिए, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को समझते रहिए जिनको मैंने दिखाया। भविष्य में कभी आपका इनसे सामना हो तो आपको माइंड में रखना है ये ट्वीट, ये चैट, ये पोस्ट, ये कमेंट, कुछ भी, कि ये वही व्यक्ति है, इसका ऐसा ही कैरेक्टर है कि ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी बातें लिख सकता है। खैर आज के लिए इतना ही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।